गर्मियों में मेकअप हमारी स्किन पे बिल्कुल भी नहीं टिकता और वो बिल्कुल हमारी स्किन से वैसे ही बहता है जैसे पानी बहता है, लेकिन हमें लगता है कि हमारी स्किन तो बहुत ज्यादा ग्लोई लगनी चाहिए, बहुत ज्यादा ड्यूई लगनी चाहिए। इसके लिए हम बहुत सारे पैसे खर्चने को भी तैयार हो जाते हैं और हमें लगता है कि यार कोई भी ऐसा स्किन केयर प्रोडक्ट हमें मिल जाए या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए जिससे हमारी स्किन बिल्कुल शाइन करने लग जाए, लेकिन एट द एंड गर्मी तो गर्मी है, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर लो वो आपकी स्किन पे बिल्कुल भी नहीं टिकता। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बेसिकली आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिनको अगर आप फॉलो करते हो ना तो आपकी स्किन गर्मियों में भी बहुत ही ज्यादा ग्लो करेगी, बहुत ही ज्यादा शाइन करेगी और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्चने की भी जरूरत नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल भी होगा और आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल भी होगा। सो फर्दर ज्यादा बातें नहीं करके फटाफट से अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। समर्स में सबसे पहली जो दिक्कत हमें देखने को मिलती है वो ये है कि हमारी स्किन पे बहुत ज्यादा टैनिंग होने लग जाती है, बहुत ज्यादा डलनेस होने लग जाती है और उसका मेजर रीजन ये है कि हम सनस्क्रीन अप्लाई करके बाहर नहीं जाते और हम धूप में ऐसे ही चले जाते हैं और धूप के हार्मफुल यूवी रेडिएशन हमारे स्किन पे डायरेक्टली पड़ती है जिसकी वजह से वो हमारी स्किन को बर्न कर सकती है, हमारी स्किन पे टैनिंग कॉज करती है। तो जनरली आपको क्या करना है, जब भी आप स्किन केयर करते हो उसके बाद आप सनस्क्रीन अपने स्किन पे जरूर अप्लाई करो और ये नहीं कि थोड़ा सा आपने सनस्क्रीन अप्लाई कर लिया, क्योंकि थोड़ी सी सनस्क्रीन ना कुछ भी नहीं करने वाली आपकी स्किन पे। इसलिए एक अच्छी क्वांटिटी में आपने सनस्क्रीन अप्लाई करनी है, एटलीस्ट आपने 2 फिंगर सनस्क्रीन तो अपने स्किन पे अप्लाई करनी ही है और जैसे ही आप बाहर जाओगे देखोगे आप कि ये आपकी स्किन को बहुत हद तक प्रोटेक्टेड रखेगा। और दूसरी बात ये भी है कि उसके बाद भी कई बार हमें टैनिंग फिर भी हो जाती है, क्यों? क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि सारी की सारी सनस्क्रीन हमारी कुछ टाइम बाद बहने लग जाती है। इसलिए सनस्क्रीन को बार बार रीअप्लाई करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको हर 2 घंटे के बाद अपनी सनस्क्रीन को बार बार अप्लाई करना चाहिए और एटलीस्ट आप 30-50 SPF जरूर यूज करो, एटलीस्ट 30 तो आपको यूज करना ही चाहिए ताकि आपकी स्किन बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहे और आपकी बॉडी का जो भी एरिया सन के एक्सपोजर में आता है लाइक आपके हैंड्स, लाइक आपके नेक एरिया या आपके लेग एरिया, वहां पे भी आपको सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करनी है। अब चलते हैं हैक नंबर 2 की तरफ। जनरली सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद भी कई बार हमें टैनिंग की दिक्कत होने लग जाती है क्योंकि हम सनस्क्रीन तो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन हम बार बार रीअप्लाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं मिलता। तो उस केस में मेरे पास आपके लिए एक सोल्यूशन है कि आप जब भी बाहर निकलें आप अपने हैंड्स को हैंड्स ग्लव्स की हेल्प से कवर रखें, अपने फेस को भी स्कार्फ से बिल्कुल अच्छे से कवर रखें। बहुत सारे स्टॉल्स आ जाते हैं आजकल मार्केट में, उसको आप अच्छे से बांधे। इसके अलावा अगर आप स्कूटी में जाते हैं तो आप हेलमेट जरूर वेयर करें क्योंकि ये आपकी आईज को भी प्रोटेक्ट करेगा और आपकी बॉडी को भी एक तरह से प्रोटेक्ट करेगा, धूप से भी प्रोटेक्ट करेगा, धूल मिट्टी से भी प्रोटेक्ट करेगा। और अगर आप हेलमेट वगैरह नहीं पहनते या आप किसी ऑटो वगैरह में जाते हैं तो उस केस में आप सनग्लासेस भी जरूर लगाएं और आप देखोगे कि यार आपकी स्किन पे ना जो सन है ना उसकी कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेंगे और आपकी स्किन हमेशा के लिए फ्लॉलेस बनी रहेगी। अब बात कर लेते हैं हैक नंबर 3 की। जनरली क्या होता है कि गर्मियों में हमारी बॉडी ना बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड होने लग जाती है क्योंकि हम जैसे ही बाहर जाते हैं हमें इतनी ज्यादा स्वेटिंग होती है कि सारा का सारा जो वॉटर है ना हमारी बॉडी से ऐसे ही बाहर निकलता रहता है। तो इस केस में आपको पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आप ये ना सोचना कि जब आपको प्यास लगेगी तभी आप पानी पियोगे। जब भी आपको लगे कि आप फ्री हो, मतलब हर एक हाफ एन आवर के बाद अपनी हैबिट ही बना लो कि आपको पानी पीना ही पीना है। और इससे क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी भी हाइड्रेटेड रहेगी, आपकी स्किन भी हाइड्रेटेड रहेगी। और कई बार क्या होता है कि हमें चक्कर वगैरह आने लग जाते हैं तो इससे वो दिक्कत भी आपकी प्रिवेंटेड रहेगी। क्योंकि जनरली ये होता क्यों है, जब हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का डिसबैलेंस हो जाता है या आप कह सकते हो जब हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तो इसलिए पानी पीना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप पूरे दिन भर में एटलीस्ट 3-4 लीटर पानी मिनिमम और 5-6 लीटर पीते तो और भी ज्यादा अच्छा है, लेकिन पानी पीते रहो जब जब आपको लगे कि हाँ ठीक है पानी पीने की जरूरत है। हर आधे घंटे बाद आप पानी पीते रहो और आप देखोगे कि ये आपकी बॉडी को भी हेल्दी बनाएगा और आपकी स्किन को तो और भी ज्यादा ग्लोइंग बना देगा। बात कर लेते हैं हैक नंबर 4 की। जनरली जब भी हम धूप से घर को आते हैं ना तो उसके बाद क्या होता है, कई बार हमारे स्किन पे बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है या रेडनेस हो जाती है क्योंकि हम सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हैं, सब कुछ प्रिकॉशन भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो सन की रेज है ना वो तो हमारी स्किन तक पहुंचती है। तो बेसिकली सन के इफेक्ट को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है आप घर में आते ही फ्रेश एलोवेरा की लीफ एक तोड़ो,
उसको अच्छे से कट करो वॉश करने के बाद और उसको अपनी स्किन पे जेंटली मसाज करो। इससे क्या होगा कि वो आपकी स्किन में बिल्कुल कूलनेस लेकर आएगा, आपकी स्किन को बिल्कुल काम कर देगा और आपकी जो भी रेडनेस है या जो भी पिगमेंटेशन या जो भी आपके साथ थोड़ी बहुत सन की रेज भी आपकी स्किन पे आएगी ना, उनके भी हार्मफुल इफेक्ट को ऑटोमेटिकली कम कर देगा। इसलिए एलोवेरा जेल आपको डेफिनेटली यूज करना चाहिए गर्मियों के टाइम पे, क्योंकि ये आपकी स्किन के लिए वैसे भी बहुत अच्छा होता है, गर्मियों के टाइम पे तो ये आपकी स्किन के लिए मिराकुलस काम करता है। इसलिए एलोवेरा जेल को आप जरूर यूज करो। जैसे ही आप बाहर से घर आते हो वैसे ही आप आके अपने फेस को अच्छे से वॉश करके एलोवेरा से 5 मिनट के लिए मसाज करो और उसके बाद अपनी स्किन को एज इट इज छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, और आप देखोगे आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा हेल्दी फील करेगी और बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील करेगी। जनरली गर्मियों में ना ओपन पोर्स की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमें स्वेटिंग बहुत ज्यादा आती है और स्वेटिंग की वजह से डेफिनेटली हमारे ओपन पोर्स होने लग जाते हैं, या आप कह सकते हो कि हमारी स्किन में सीबम का प्रोडक्शन का लेवल काफी ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से अगर हमारे ओपन पोर्स होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम भी बढ़ जाएगी। इसलिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, जब भी आप बाहर से घर आते हो अपने फेस को अच्छे से वॉश करने के बाद आप क्या करो, अपने फ्रिज में जाओ, वहां पे आइस के जो भी क्यूब्स पड़े हैं ना उससे अपनी स्किन को मसाज करो 1 से 2 मिनट के लिए, और आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है वो काफी हद तक मिनिमाइज हो जाएगी और आपकी स्किन और भी ज्यादा फ्लॉलेस लगेगी। गर्मियों में जब हम मेकअप करते हैं ना तो हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा भद्दी लगती है, क्यों? क्योंकि वो मेकअप बहने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा मेकअप बहुत ही ज्यादा केकी लगने लग जाता है, बहुत ही ज्यादा गंदा लगता है। इसलिए गर्मियों में आप बेसिकली मेकअप को बहुत ज्यादा अवॉइड करो, क्योंकि अगर आप गर्मियों में मेकअप करोगे तो एक तो वो मेकअप बिल्कुल आपकी स्किन पर टिकेगा नहीं, साथ में आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को भी और ज्यादा बढ़ा देगा और आपके फेस पे पिंपल्स एक्ने की दिक्कत भी बढ़ती ही जाएगी। इसलिए आप मेकअप बिल्कुल अवॉइड करो। अगर आप यूज करना ही चाहते हो तो टिंटेड मॉइस्चराइजर आते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हो अपनी स्किन पे, या टिंटेड सनस्क्रीन्स आती हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, वो भी आपकी स्किन को एक बहुत ही अच्छा ग्लो दे देगी। और साथ ही एक अच्छी सी लिपस्टिक लगा लो आप और आप देखोगे कि आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रही है। लेकिन हाँ, मेकअप को बहुत ज्यादा अवॉइड करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप मेकअप अप्लाई करते हो ना तो आप देखोगे कि यार आपकी स्किन अच्छी तो नहीं दिखेगी लेकिन और भी ज्यादा खराब दिखने लग जाएगी। गर्मियों में स्वेटिंग की वजह से सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है ना वो है गंदी स्मेल की, कि हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आने लग जाती है, हमारे अंडरआर्म से बहुत अजीब सी स्मेल आती है, हमारे कपड़ों से बहुत गंदी स्मेल आने लग जाती है क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। इसलिए आपको एक अच्छे परफ्यूम में इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप परफ्यूम लगाओगे तो ऑटोमेटिकली जो भी स्वेटिंग की वजह से आपकी बॉडी से एक बैड ऑडर आता है ना वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा और आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे लोगों के बीच में। इसलिए एक अच्छा परफ्यूम अपने पास रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ रखना ही नहीं है, उसको यूज भी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। बेसिकली ये थे मेरे कुछ ऐसे समर केयर हैक्स, जो अगर आप फॉलो करते हो तो आप देखोगे कि आपकी समर की बहुत सारी दिक्कतें कम हो जाएगी और आप देखोगे कि आपकी स्किन तो फ्लॉलेस लगेगी, आपके कॉन्फिडेंस में भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए आप इनको फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलना। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप गाइज आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के बीच में शेयर भी जरूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन गाइज, बाय बाय।